एयर, 3 स्पीयर। तो 3 स्पीयर यहाँ मैं आपको बना देता हूँ, ये मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे देयर आर 3 स्पीयर, ये ओरिजिन है, और एक स्पीयर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और एक स्पीयर इसको टच करते हुए इधर रख रहा है, ठीक है, और ये तीसरा वाला ये इनके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये वाई एक्सिस में नहीं जा रहा है ये, बट जस्ट टच कर रहा है ये, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है, ये तो ये 3 स्पीयर इस तरह से रखे हुए हैं। तो इनका सेंटर आप मास हमें लोकेट करना है, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो होता है। इधर मैं आपको एक जुगाड़ बताया था, जो कंटिन्यूअस मास है, स्पीयर है, उसको क्या कर दूंगा, पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं और फिर पॉइंट मास का फार्मूला लगा दूं। तो ये इस स्पीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0। इस स्पीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2r,0। अगर इसकी रेडियस आर आइडेंटिकल है तो ये डिस्टेंस 2r हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स इतना होगा और वाई इतना होगा। तो एक्स आ जाएगा आर, और वाई कितना हो जाएगा वो हमें निकालना पड़ेगा भाई। तो वाई कितना आ जाएगा, तो वाई निकाल लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया यार, ठीक है, ये आर बाई आर हो गया, और ये अगर जस्ट इसको टच कर रहा है तो ये 2r हो गया। तो जो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4r² - r², मतलब ये आ जाएगा √3r, है ना। तो √3 मतलब √3r, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। अब अपना जो फार्मूला था एक्स और वाई वाला वो लगा दो। तो कंटिन्यूअस मास का क्वेश्चन है, पॉइंट मास का नहीं, लेकिन पॉइंट में कन्वर्ट करके मैं कर दूंगा ना इसको। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो XCM आ जाएगा, XCM आ जाएगा। अरे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 2r है, 2r है, ना। देखो तो या तो फार्मूला लगाओ, एक्स सी एम का फार्मूला लगाओ और वाई सी एम का फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला ये लगाओ और सॉल्व करो, दैट प्रोसेस इज लेंदी, ठीक है, सॉल्व कर लोगे इससे। अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो मैं बताया था, जुगाड़ वाला, वो देखो उसको थोड़ा सा लगा सकते हो, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बना है, समझना, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है, और ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा यार। ये 2r है और ये 2r है और ये 2r है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 2r का है। तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं कहीं आएगा मिड पॉइंट पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो r ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट r होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, वाई ये वाला हो जाएगा, जो कि यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30 डिग्री होगा। तो ये r है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी tan 30 इज इक्वल टू वाई अपान आर। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आर अपान √3। तो एक्स कोऑर्डिनेट आर और वाई कोऑर्डिनेट आर अपान 3, ये बहुत आसानी से हो गया, ऐसा दिमाग लगा दिए तो आसानी से हो गया। अदरवाइज एक्स और वाई वाला फार्मूला लगाओगे तो आ तो जाएगा, पर थोड़ा लंबा जाएगा ना भाई।